दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर दिलीप कुमार ने राज कपूर की फिल्म संगम में काम करने से क्यों इनकार कर दिया। राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म संगम 1964 में रिलीज हुई थी और इसे बनने में काफी समय लगा था। तब बॉलीवुड में राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद की तिकड़ी छाई हुई थी, जैसी कि वर्तमान में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की छाई हुई है। दिलीप, राज और देव की आपस में प्रतिद्वंद्वता भी थी, लेकिन इसमें कोई कड़वाहट नहीं थी। अलबत्ता उनके फैंस आपस में लड़ते रहते थे और अपने प्रिय सितारे को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। राज कपूर ने जब संगम बनाने का फैसला लिया तो दो हीरो और एक हीरोइन की जरूरत महसूस हुई। राज कपूर खुद एक रोल करना चाहते थे और दूसरे रोल के लिए दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। दिलीप और राज इसके पहले अंदाज नामक फिल्म में साथ काम कर चुके थे। दिलीप कुमार को जब राज कपूर साइन करने के लिए गए तो स्क्रिप्ट और एक ब्लैंक चेक साथ ले गए। उन्होंने दिलीप कुमार को कहा कि तुम्हें जो रोल पसंद हो उसके लिए कह दो और चेक में जितना रुपया चाहते हो उतने लिख लो, यह फिल्म कर लो। उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। यदि वे यह फिल्म करेंगे तो उनके और राज कपूर के फैंस आपस में लड़ेंगे और इसका असर उनके संबंधों पर भी आ सकता है। दिलीप कुमार के इनकार के बाद राज कपूर ने देव आनंद को फिल्म ऑफर की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। बंगाली फिल्मों के स्टार उत्तम कुमार को भी लेने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिर में राजेंद्र कुमार इस फिल्म में राज कपूर के साथ नजर आए। हीरोइन के रूप में वैजयंती माला पहली पसंद नहीं थी। राज कपूर ने नरगिस को लेना चाहा था, लेकिन उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बहरहाल संगम रिलीज हुई और लागत से 8 गुना से भी ज्यादा व्यवसाय किया। उस दौर में फिल्म ने 8 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर